जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? हालांकि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो ये हमारा डेली ब्लॉग हार्ट चैलेंज का ब्लॉग नंबर 107। तो बिना किसी देरी के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, तो चले चलते हैं। तो गाइस आज हम आए हैं स्टूडियो में कपड़े परचेज करने के लिए। अब देखते हैं क्या जमता है हमको। यह शोर में आए हुए हैं तो करते हैं गाइस चॉइस। अभी तक तो मुझे सर कुछ समझ में आ नहीं रहा है। देखें इतनी सारी चीज़ें पड़ी है, 300-900 जो भी पड़ी है एकदम। करते हैं इनमें से चॉइस और चलते हैं फिर अंदर पहनने के लिए। $799 ये शर्ट्स सस्ते हैं गाइस। देखते हैं इसमें से जो जम जाए वो ले लेते हैं। हाँ भाई ये जम तो रहा है, बाकी ये फिर वैसा लगेगा गोवा जा रहे हैं अपन। गोवा बिट पियर्स, दिस इज अ गोवा प्लान टूर, दिस इज अ शूज एंड दिस वन। तो रिपब्लिक आ गई गाइस। तो दोस्तों अभी हमने जस्ट ये देखा है, इसको भी अंदर जाके हम देखेंगे कैसा लग रहा है हमारे पे। और भी कोई चीज़ देख लेते हैं जब तक हम कि हुडीज तो ले लिया अपन। हुडीज तो देख रहे हैं कि इसके ऊपर उठा जमेगा। चॉइस करते हैं ब्लू पेंट या शिदरा। इसे नीचे बता ब्लू लास्ट कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा हूँ, छपरी दिखेगा अपन। छपरी नहीं नॉर्मल जाते हैं सही है। चलिए गाइस फिर लेके चलते हैं अंदर। ज़्यादा बड़ी लग रही है, ये साइज में नहीं है, एम साइज कुछ ज़्यादा बड़ा है। शिट गाइस, हमने अभी ट्राई करके देखे कपड़े, बाकी हमको कुछ जम नहीं रहा है। मेक्स में जा रहे हैं, हम मेक्स में जाते हैं, हम मेक्स में भी देख लेते हैं ना गाइस। चलिए गाइस मेक्स में चलते हैं, वहाँ भी ट्राई कर लेते हैं कि वहाँ पे कैसी चीज़ें हैं। चलिए चलते हैं बड़ा भाई। A few moments later. तो गाइस हम ना मेक्स मेक्स का भी प्लान कैंसिल हो गया और अब सिंधी मार्केट जा रहे हैं, गरीबी के दुकान। बाकी वहाँ कपड़े बहुत सही मिलते हैं, साइज इशू था, बाकी कोई इशू नहीं है। हाँ तो वहाँ साइज नहीं मिला हमको, बाकी तो कोई इशू नहीं, बजट वाली कोई बात नहीं है, साइज इशू था, सिर्फ साइज इशू था। यस बोल रहा है सिर्फ साइज इशू था, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो ना ठीक है यार, सिंधी मार्केट चल लेते हैं। हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई जान दो भाई। 5 दिन अपन जब बाहर जाएंगे ब्लॉग बनेगा, पांचों दिन का है, मज़ा आ जाएगा। अभी इनको बताया थोड़ी कहाँ जा रहे हैं, पब्लिक को पता ही नहीं है, नहीं बता इनको। अभी थोड़ी ना जाएंगे, उस दिन ट्रेन में बैठेंगे उस दिन बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरे बाल बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे, कटवाना पड़ेंगे रही एकदम जूते दिख रहा हूँ मैं। यस अपन जाएंगे 6 तारीख को कटवा लेंगे बाल वाल जो भी, साथ में चलेंगे। उसको ललिता को बोला है हमें, हाँ उन्हें कटिंग बता दी कौन सी करेगा मेरी, बोला ये तेरे पे अच्छी लगेगी ये करवा के जाना। तो मैं ठीक है चलिए गाइस चलते हैं सिंधी मार्केट। गाइस हम आए वो रास्ते में है, ओ मेरा बाल उजड़ा चमन बन गया गाइस मेरे बालों का, कैसे हो गए यार। ठीक है यार बाल कटवाना ही है, हेयर अच्छे ज़्यादा तगड़े कटवा लेंगे, कुछ ज़्यादा ही बच्चों जैसे दिखते मतलब, आए मज़े नहीं आ रहे। और ये हम आ चुके हैं बंगाली 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 आ चुके हैं गाइस। बाद में सिंधी कॉलोनी जाएंगे, या फ्रेंड से मिल लेते हैं, आया हुआ है तो उससे जस्ट मिल लेते हैं, फिर निकलते हैं अपन सिंधी मार्केट के लिए। A few moments later. तो गाइस हम आ चुके हैं सिंधी मार्केट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ सिंधी मार्केट। वी आर कलेक्शन प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ गाइस, लॉक कर दिया। चल घूम के आते हैं, 4-5 दुकानें छान लेते हैं, उसके बाद में आएंगे यहाँ पे। देख शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ भाई हम कैसे ही पहनते हैं, बाकी तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, वही मेरे को देखा है।
तो गाइस वहाँ से कपड़े वपड़े देखने के बाद हम आ चुके हैं दाल पकवान खाने। लग तो बहुत सही दिया ना। पूरी और वो खराब मिला पूरी तरीके से। कोई बात नहीं A few moments later. हमको सिंधी कॉलोनी में भी कपड़े नहीं जमे। अब मतलब जमे तो थे पर थोड़ा वो मटेरियल नहीं था जो हमको चाहिए था। सीधी सी बात तो ये कि कुछ ज्यादा ही महंगे थे, ज्यादा ही ओवर कुछ एक रुपया भी कम नहीं कर रहा था। मैंने तो जा यार कम करवाया गलत नहीं बोलते हम बाकी लग गया कि नहीं होंगे वो हमको दुकान देख के लग गया कि अब कम नहीं हो रहे हैं वो। तो हम भोला राम जा रहे हैं सस्ती दुकानों पर। तो गाइस चलिए फटाफट चलते हैं भोला राम, उसके बाद हमको घर जाके खाना भी खाना है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो चलिए चलते हैं। A few moments later. तुमको जाना तब से अच्छा है ना प्यारा, हाँ देखा तुमको अच्छा है ना तुमसे। आ चुके हैं यहाँ पर मतलब अपने रूम पर आ चुके हैं। डायरेक्ट अपना मेंस वेयर से थोड़े बहुत ये लाए हैं अपना जैकेट और एक टिकट टी शर्ट लाए हैं जैस के लिए और मेले जैकेट लाए हैं। केले लाए थे जूस बनाने के लिए, केले दूध ले आए हैं, केले ले आए हैं अपना मेंस वेयर से। जरा पहुँचा देता हूँ फ्रेंड को यार। तो गाइस अब खाना खा लेते हैं, चलिए थोड़ा भोजन कर लेते हैं, पेट बहुत खाली है। तो गाइस भोजन चालू है हमारा। सर्दी मोरे तो शर्मा ही आते थे, गोलू है आज घर। मैं अकेला आना होता जाना रूम पे, अरे मैं ही आ जाऊंगा। भोजन खा के कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस खाना खाने के बाद में अब जूस बनाया जा रहा है बनाना शेक। इसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं, नीचे ढूलेगा नहीं तो। गाइस उल्टा रख दूं ना। चलो गाइस बटन चालू करो गाइस। हो गया गाइस, ये हो गया मेरा बनाना शेक। दूध मिक्स इसमें निकाले गाइस इसको, इसमें तपेली में नहीं, फिर वो एक ग्लास और का, हाँ एक ग्लास और का। तो गाइस बनाना शेक पी लेते हैं। ये जब पी लेंगे नाइस। गाइस मजेदार लग रहा है एकदम चकबाक। गाइस हमने जूस वूस खाना वाना सब खा लिया है तो अब चल रहे हैं हमारे रूम। तो चलिए चलते हैं हमारे रूम पे, वही मस्ती करेंगे वो। तो बढ़िया हम भी आ चुके हैं अपने रूम पे और पूरे थक चुके हैं और रूम पे कोई भी नहीं। देखो बिस्तर कैसे पड़े हुए हैं, कल चार पांच दोस्त आए हुए थे उनको भी रोका था रूम पे अपन ने। तो रूम वूम जमाना है अब और मैं अकेला हूँ, सब घर गए हुए हैं तो अब टाइम नहीं है। अब सब रूम जमाते हैं, थोड़ा बहुत सोएंगे, रेस्ट वेस्ट करेंगे। अब बहुत समय से दौड़ रहे सुबह से। तो इस श्लोक को अब यहीं पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट श्लोक में। जब तक के लिए जय श्री राम।